3 अक्टूबर को एक मोहल्ले में दुर्गा आरती चल रही थी। कई लोग इकट्ठा थे, इतने में गोलियों की आवाज़ आई। इलाके में लोग घबरा गए। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। जिस घर से गोलियों की आवाज़ आई वहां अंदर जाकर देखा गया तो पुलिस भी सन्न रह गई। घर में 4 लाशें पड़ी थी। एक दलित टीचर सुनील भारती और उनकी पत्नी पूनम की हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने वालों ने 2 छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा। पति पत्नी के साथ उन्हें भी मार दिया गया। मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले का है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल हत्या का कारण साफ नहीं पता चला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार केस में 2 से 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। घर से 9 खोखे और 1 कारतूस मिला है। पुलिस का मानना है कि हत्या के पीछे निजी दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि फोर्स एंट्री के सबूत अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी घर तक पैदल ही आए थे, हत्या करने के बाद वो बाइक से फरार हो गए। बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है, और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियाँ जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियाँ रहती हैं। तथापि इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और इस बेसिस पर बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे। गोलियों की आवाज़ आने के बाद सबसे पहले जो व्यक्ति घर के बाहर पहुंचा था उसने क्या बताया, उस चश्मदीद की बात आप भी सुनिए। आवाज़ गोली की आवाज़ से जानकारी है यहाँ हत्या है तो उसके बाद हम सब लोगों को बुलाए। उसके बाद चौराहे से फोर्स बुलाए। चौराहे में दुर्गा पूजा आरती हो रही थी, वहीं फोर्स थी। कितने राउंड गोलियों की आवाज़ सुनाई दी क्या कुछ, क्योंकि आवाज़ आई होगी तो कितनी गोलियां लगभग चली? 4-5 गोली लगभग चली हैं। दोनों पति पत्नी टीचर थे, उनकी 2 बेटियां थी, 1 8 साल की, दूसरी 2 साल की। परिवार मूलतः रायबरेली जनपद का रहने वाला था। पहले वहीं रहते थे, फिर कुछ महीने पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था के बाद शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी चौराहे के पास एक किराए के घर में रहने लगे। पुलिस ने बताया कि 18 अगस्त को इस परिवार ने चंदन वर्मा नाम के एक व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा लिखवाया था। पुलिस उनकी तफ्तीश भी कर रही है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने लिखा है, अमेठी में हुई घटना निंदनीय है, मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में यूपी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई ज़रूर होगी। वहीं समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कहा, राज्य को BJP नहीं चाहिए। बताते चले कि पुलिस की शुरुआती जाँच के मुताबिक इस प्रकरण में लूटपाट का कोई एंगल नहीं मिला है। लगातार जिस तरीके की यह घटना है, जितने खोखे पुलिस ने बरामद किए हैं और जिस तरीके से फर्स्ट नज़र में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि ये मामला बेहद संगीन है। खबर में अभी तक हमें यही जानकारी मिली, आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक वो भी ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल स्टोरी के लिए जानकारियां जुटाई हमारे साथी विभावरी ने, शुक्रिया।